हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी। इसके लिए हमने 2 किलो चिकन लिया है। चिकन की लेग्स पर ऐसे कट्स लगा दिए हड्डी तक, ताकि मसाला यहाँ तक पहुँच जाए। बहुत सफाई से इसे धो दिया है। इसमें हम जो है 1 बड़ा चम्मच मिर्च, 1 बड़ा चम्मच नमक, मतलब 2 चम्मच दही, 2 ही चम्मच अदरक लहसुन, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। मिला देंगे एक छोटा पीसा चम्मच गरम मसाला और इसे हाथ से मिलाकर 2 ढाई घंटे रख दें। अगर पूरी रात रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। खूब अच्छे से इसे लगा लें। ये देखिए, हमने बिरयानी के लिए 10 कप घी ये तेल ले लिया है। 10 कप घी, ये उसमें छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच जीरा, और इसे हमने 8 प्याजे काटी, 8 वो डाल देंगे। ऐसे होने देंगे। इधर हमने कोरमे के लिए तीन बड़े कप घी तेल लिया है। उसमें 3 प्याजे, बड़ी 3 प्याजे फ्राई करेंगे गुलाबी होने तक। आप बारीक बारीक काट लें, मैंने हैंडी चॉपर में चॉप कर ली है। इसमें 2 तेज पत्ते जाएंगे बड़े हो, और इसमें 12 गिलास चावल है तो उसके हिसाब से 8-10 पत्ते जाएंगे, 8। बल्कि 15 ही जाएंगे इसमें। प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे, इसमें भी प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे। इसके साथ इसमें हम 3-4 इलायचियां डाल देंगे। अभी गरम मसाले में भी डलेगी और इसमें भी डलेगी। ये मैंने बिरयानी का चिकन निकाल लिया है, इससे ये प्याज सुनहरी हो गई। इसमें डाल दें 1.25 किलो के करीब। इसमें ये गरम मसाला, छोटा जायफल, 12 लौंगे, 20 काली मिर्च, 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 दालचीनी के,
बड़े चम्मच इसमें अदरक लहसुन, चिकन को गलने देंगे थोड़ा, फिर टमाटर डालेंगे, इधर ये प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें हमने 6-8 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, आधी का बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी, छोटी सी जावित्री डालकर भूनेंगे और प्याज निकाल लेंगे। सारी प्याज निकाल लेंगे। चिकन के मोटे मोटे लेग पीस डाले हैं, 1 किलो के करीब चिकन, इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन, तेज पत्ता बाद में वैसे ही डाल दीजिए, प्याज पिसेगी मसाले के साथ। इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच मिर्च, 2 चम्मच धनिया डालकर इसे भूनेंगे। इधर ये चिकन पक रहा है, इसमें 2 बड़े चम्मच दही भी डाल देंगे, बड़े चम्मच, बड़ा नहीं है, 2 बड़े चम्मच। अब इसे खूब भूनेंगे जब तक मिर्च और दही की कच्चापन निकल जाए, फिर इसमें प्याज और मेवे डालकर भूनेंगे, पूरा चिकन गल जाए इतना पकाना है। इसमें अब हम डालेंगे, और में से ये जो प्याज निकाली है ये है, छोटा टुकड़ा नारियल का लिया है, 1 छोटा चम्मच खसखस लिया है, और 2 छोटे चम्मच हम इसमें तिल लेंगे, छोटे चम्मच, और मिक्सी में इसे सबको पीस लेंगे। ये देखिए ये भुन गया, इसमें अब हम ये मसाला पीसा है, वो ही नारियल, तिल, खसखस, प्याज, तली हुई, इसे इसमें डाल देंगे और इसे भूनेंगे, 5-10 मिनट भूनेंगे। गोश्त मुर्गा गल चुका है चिकन, इसलिए उसके बुस्की नहीं है, सिर्फ इसे मसाला ये भून जाएगा 5 मिनट में, तो फिर हम इसे थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी बाद में तैयार करेंगे, अभी पहले भूनेंगे ये मसाले को, खूब भूनेंगे 5 से 10 मिनट। ये देखिए कोरमा तैयार है, चिकन भी गल गया है और सालन भी सही है। चालीस हरी मिर्चें हमने मिक्सी में पीस कर डालना है, और 6 बड़े चम्मच दही, 6 टमाटर, ये सब बिरयानी में जाएगा। और 12 चम्मच नमक, क्योंकि 12 गिलास चावल है, 3 किलो की बिरयानी है।
भी डाल दी, नमक भी डाल दिया। अब हम बिरयानी मसाला डाल रहे हैं, 12 गिलास है तो बड़े 6 जाएंगे इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे भूनेंगे जब तक चिकन गल जाएगा। अब इसमें सब चीज़ पड़ी हुई है, गरम मसाला भी, तेज़पत्ता भी, नमक, मिर्च, दही, टमाटर। पानी सूखने तक पकाएंगे, चिकन गल जाए। देखिए ये कोरमा है, इसमें चावल, ये भीगे हुए चावल हैं, धो के भिगो दिए, ये इसमें डाल दे रहे हैं सारे। 3 किलो चावल है, इसी पतीली से पानी डाल देंगे नाप का। ये देखिए, इस पूरी पतीली का पानी डाल देंगे और थोड़ा सा बर्फी डाल देंगे। नमक मिर्च चख लीजिए, ये देखिए चावल दम पे आ गया है, पानी इसमें ख़त्म होने वाला है। अब इसे दम पे लगाना है, इसका नमक मिर्च इस टाइम चेक कर लें, अगर कुछ कम हो तो आप अपने हिसाब से डाल दें। और इसमें 1 नींबू ऊपर से निचोड़ दीजिए, चावल खिला खिला होगा। पहले ये ख़राब तवा रखेंगे, उसके ऊपर पतीला रख देंगे तो दम पर आ जाएंगे चावल ढककर। 15 मिनट के लिए दम देना है, 5 मिनट पहले गैस तेज़ रखें ताकि तवा गर्म हो जाए, फिर 15 मिनट हल्की आंच पर। ये कलर डाल दें, केवड़े में रंग डला हुआ घुला हुआ है, इससे अच्छा रंग आ जाएगा। इसे दम पे 15 मिनट 20 मिनट रखना है, फिर बिरयानी तैयार हो जाएगी। ये बिरयानी तैयार, अब इसे धीरे धीरे इधर से ऐसे करके खोलिए, कभी भी राइस स्पून से नहीं चावल को खोलना चाहिए, इससे खोलना चाहिए ताकि ये जो है चावल कटे ना।